सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं टेक मोहित। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थंबनेल देख के तो आप पहचान गए होंगे आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हां, आज हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाली है अंडर द बजट ऑफ 40,000 रुपीज। जी हां, 40,000 रुपए के अंदर हम एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस गेमिंग पीसी को यूज करते हुए आप इजिली अचीव कर सकते हैं 1080p पर मिड टू हाई सेटिंग पर 60fps आप इस वीडियो में अचीव कर सकते हैं। तो हम इसमें ग्राफिक कार्ड चूज किया है वो काफी अच्छा केपेबल है, हमारा सीपीयू भी काफी अच्छा है और दोनों में हमें गारंटी और हमें हर पार्ट में गारंटी वारंटी की कोई भी इशू नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बिल्ड का पहला कंपोनेंट आ रहा है वो आता है हमारा AMD की तरफ से। तो हमें जो पहला कंपोनेंट चूज किया है हमारा सीपीयू, तो सीपीयू के लिए हम चूज किया है AMD का Ryzen 3 1200 जो कि एक ट्रू क्वाड कोर सीपीयू, यानी 4 कोर 4 थ्रेड मिल जाते हैं हमें इसमें। और इसकी जो बेस क्लॉक हमें मिलती है वो मिलती है 3.1 GHz की और इसमें जो टर्बो बूस्ट क्लॉक है वो मिलती है 3.4 GHz की। इसलिए आप इजिली बाय कर सकते हैं। 5,000 रुपये का सभी पार्ट को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके मदरबोर्ड के बारे में जिसमें ये सीपीयू फिट होने वाला है। तो मदरबोर्ड के लिए हमने चूज़ किया है MSI का प्रो सीरीज B450 जो कि आता है A320 चिपसेट के साथ और ये हमारे सीपीयू को भी ओवरक्लॉक कर सकता है। ओवरक्लॉक करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज जो हमारा Ryzen 3 के साथ हमारा कूलर आता है वो काफ़ी केपेबल होता है, काफ़ी अच्छी कूलिंग कर देता है, इसलिए हमें ओवरक्लॉक करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर हम बात करें इसमें USB पोर्ट के बारे में इस मदरबोर्ड में, तो हमें इसमें 4 USB 3.0 के पोर्ट मिल जाते हैं और हमें इसमें 2 रैम स्लॉट मिलते हैं जो कि DDR4 की रैम सपोर्ट करते हैं अप टू 24 MHz तक। तो आप इस मदरबोर्ड को इजीली बाय कर सकते हैं 6,000 रुपीज़ का। हर पार्ट को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपनी रैम के बारे में। तो रैम के लिए हमें चूज़ की है इसमें क्रूशियल की 8GB DDR4 2400 MHz पर की क्लॉक स्पीड है। तो एक काफ़ी अच्छी रैम है हमारे बजट के लिए, मतलब अंडर हमारे बजट में ये काफ़ी अच्छी रैम हमें मिल जाएगी और इसमें किसी भी तरीके की शटरिंग और माइक्रो शटरिंग देखने को हमें नहीं मिलती है। और अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में तो हमें मिल जाती है 2400 रुपीज़ की। आप इसे इजीली MD कंप्यूटर्स Amazon से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं अपने GPU के बारे में जो कि हमारा ग्राफिक कार्ड होने वाला है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन में देता हूँ, या तो आप लीजिए GTX 1050 Ti 4GB वेरियंट जिसमें आपको 10th जनरेशन का पास्कल कार्ड मिल जाता है। इसमें क्या आपको मिलते हैं 768 कोडा कोर्स, 4GB की DDR5 रैम और 128 bit का मेमोरी बस और ये हर गेम को 60fps पर चला सकता है। और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो मिल जाती है 1303 MHz और ये बूस्ट होने के बाद 1417 MHz तक जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिपल डिस्प्ले निकाल सकता है, यानी इससे आप एक बार में 3 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है वो है RX 470 का जिसकी स्पेसिफिकेशन इससे थोड़ी सी लो एंड है लेकिन वो भी आपको DDR5 और 4GB की मेमोरी के साथ मिल जाता है। तो जो भी आपके बजट में हो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो इस जो GTX का कार्ड है इसके लिए हमें पे करने पड़ेंगे 7,000 रुपये। जी हाँ, आप सिर्फ 7,000 रुपये में इस ग्राफिक कार्ड को बाय कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको बाय करना है RX 470 तो उसके लिए आपको अपने घर के पास यानी लोकल डील्स को क्रैक करना होगा क्योंकि ये जो ऑनली कार्ड है ये ऑनलाइन काफ़ी महंगा मिलता है आपको और ऑनलाइन लेना मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारे बिल्ड के लिए अच्छा नहीं होगा और हमारे बजट भी से आउट ऑफ हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज के लिए मैंने 2 ऑप्शन चूज़ किए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है हार्ड ड्राइव का यानी HDD और जो दूसरा मैंने चूज़ किया है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव का यानी हमारी SSD। तो SSD के लिए हमें चूज़ किया है WD की ग्रीन 120GB की SSD जो कि हमें मिल जाती है 1600 रुपीज़ की। काफ़ी अच्छी है SSD हमें मिल जाती है और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। देखिए SSD को यूज़ करते हुए क्या होगा कि जो हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपनी SSD में डालेंगे जिससे कि हमारा बूट टाइम और प्रोग्राम को लोड करने का टाइम, हम इसमें एडिटिंग भी करने वाले हैं तो हमारे प्रोग्राम्स को लोड करने का जो सॉफ्टवेयर लोड करने का टाइम होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंक्रीजमेंट आने वाला है। तो अगर उसके बाद हम बात करते हैं मास स्टोरेज के लिए, तो मास स्टोरेज के लिए मैंने चूज़ की है सीगेट की 1 TB की हार्ड ड्राइव जो कि आपको इजीली मिल जाती है 2900 रुपीज़ की अमेजोन पे और MD कंप्यूटर से बाय आप इसे कर सकते हैं जो कि 7200 RPM पे रोटेट करती है तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन आप इसे यूज़ करेंगे मास स्टोरेज के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम अपनी SSD को यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई के लिए हमें चूज़ किया है कॉर्सायर का VS450 जो कि 450 वॉट की पावर सप्लाई है
और हमारी जो टोटल बिल की कंसम्पशन मिल जाए वो मिलती है हमें 400 वॉट, यानी 50 वॉट हमें जो एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई है, मैं इसे खुद यूज़ कर रहा हूँ अपने पीसी में, तो ये काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई है हमारे पीसी बिल्ड के लिए। अंदर बजट ऑफ 2700 रुपीज़, जी हाँ, ये आपको जो मिलती है ये 2700 रुपये की मिल जाती है, तो आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं अमेजोन या MD कंप्यूटर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इस बिल्ड में जो हमारा लास्ट कंपोनेंट बचा हुआ है वो है हमारा चैसी, यानी हमारा कैबिनेट। तो कैबिनेट भी आता है हमारा कॉस्टा की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा कैबिनेट है, मैं इसे खुद अपने फ्रेंड को रिकमेंड करता हूँ यूज़ करने के लिए। तो जो मैं इसमें कैबिनेट लिया है वो आता है कॉर्सायर की तरफ से, कॉर्सायर कार्बाइड स्पेक 1, जो कि आपको इजीली मिल जाता है 3000 रुपीज़ का। आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से इसे बाय कर सकते हैं, और अगर आप इसे अमेजोन से इस टाइम ऑर्डर करते हैं तो आपको इसमें फ्री होम डिलीवरी मिलती है। तो फ्रेंड, ये सारे पार्ट हम इस बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं। इस बिल्ड को बनाते हुए आपको काफ़ी अच्छी इसमें परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप इस पर गेमिंग करते हैं तो आप हर गेम में 60+ FPS अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।